हेलो गेमर्स, तो क्या हाल चाल। तो कुछ बंदों के प्रॉब्लम आ रहा है कि वो लॉबी में जो अपना होता है सेक्शन गन चेंज वाला, वो उनको देखने को नहीं मिल रहा है। तो टीडीएम में जैसे जाते हैं टीम डेड मैच में, तो उनको गन स्विच करने का ऑप्शन कैसे मिलेगा। हाँ, बाय डिफॉल्ट अगर आप M4 लग रहा है तो उसकी जगह आप AKM-KC लगा सकते हैं। तो अनरिंग पे आपको जाना है, उसके बाद अरेना पे आपको क्लिक कर देना ऊपर से। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है फॉर ऑटो मैचिंग, उसके जस्ट पास में एक जो पिस्टल है उसका आइकन बना रहा है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको चारों जो गन का 1 2 3 4 सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप कोई सा भी गन स्विच कर सकते हो। गन वाले ऑप्शन में जैसे टैप करोगे तो आपको सारा जो गन का जो शॉप है वो खुल जाएगा। वहाँ से जो जो आपका लेवल अप हो रखा है, जिस लेवल का गन आपको अवेलेबल है उसको आप स्विच कर पाओगे। जैसे मेरे पास AKM है, तो AKM के अलावा जैसे जैसे मेरा नीचे जितना भी गन खुल रहा है उसको मैं यहाँ से डायरेक्टली अटैच कर सकता हूँ और उसका इक्विपमेंट भी लगा सकता हूँ। तो मैं आपको भी आपको दिखाऊंगा कि एक गन में कैसे यहाँ से चेंज करता हूँ उस गन को, और उस गन का अटैचमेंट भी मैं आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। हाँ, अगर आपका अकाउंट नया है, अगर आपने ब्रांड न्यू अकाउंट बनाया है, तो आपका जैसे जैसे लेवल होगा वैसे वैसे ही आपका जो गन है वो अनलॉक होता जाएगा। उसके बाद ही आप चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास AKM ही अनलॉक है, तो आप ज़बरदस्ती M4 वहाँ पर नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे आपका लेवल कंप्लीट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप गन स्विच कर पाओगे। तो ये वाला तो फर्स्ट कंडीशन है। हाँ, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर कोई आपको रेंडमली कोई गन स्विच करके दिखाता हूँ, तो चलिए चलते मैं यहाँ से एक UG ले लेता हूँ। जैसे मैं UG पर क्लिक करूँगा, सबसे पहले आपको साइड में आके यहाँ पर इसका अटैचमेंट चेंज कर लेना है। उसके लिए जैसे मैं ये लगा लिया हूँ, उसके बाद इसमें रेड डॉट के बाद इक्विक पे आपको क्लिक करना जरूरी है। ये येलो येलो शाइन आ रहा है आपको नीचे की तरफ, इक्विक पे आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद जैसे मैं इस पे जाऊँगा तो यहाँ से इसको मैं इक्विप कर लूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं इसको लगा के इसको भी कर लूँगा। लास्ट में आपको यहाँ से इक्विप पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका गन है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट हो जाएगा। हाँ, अगर मैं गेम प्ले में अब जाऊँगा तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो गन है वो UG रहेगा। अगर मैं वहाँ से UG को आगे स्क्रॉल करके वहाँ पर M4 पे जाके स्विच कर लेता हूँ, तो मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट गन है वो M4 रहने वाला है। तो ये छोटा सा नॉर्मल सा वीडियो है, लेकिन बहुत सारे बंदों की प्रॉब्लम है तो उसे ईजिली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो है। हाँ, अगर आप फ्री रॉयल पास जीतना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एक वीडियो का, उसको वीडियो को देखो, आपको फ्री रॉयल पास देखने को मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके गेम्स को जुड़ सकते हैं।